जी सर, मेरा नाम है डॉक्टर बद्री आडेरा। नमस्कार जी। मैं ये जो अपना OWDC एनहांसर कम से कम नियर अबाउट 7 to 8 ईयर से यूज़ कर रहा हूँ, जब 20 रुपये की बोतल आती थी। अभी तो सर मैंने इससे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया। मेरे पास में नियर अबाउट 25 एकर्स की लैंड है, वहाँ पर मैंने बहुत सारे प्रयोग किए हैं। मैं अपने खेत में पहले ये यूज़ करने के पहले कम से कम मुझे 2.5 से 3 लाख रुपए का जो भी निविष्टा है बाहर से या जो भी खाद है वो लेना पड़ता था। अभी तो मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ। ये OWDC यूज़ करके मैंने सर ऑर्गेनिक यूरिया भी बनाना शुरू कर दिया। ये बनाने की विधि ऐसी है जो अपनी कांग्रेस ग्रास, लोकली हम कांग्रेस ग्रास बोलते हैं उसको, वो काट कर उसके चॉपिंग किया और उसमें OWDC डाल दिया। कम से कम 21 दिन में उसका पीला जैसे पानी निकलना शुरू हो गया और उसमें थोड़ा सा गुड़ भी मिलाया था, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया, लाइक बैक्टीरिया इसलिए। इसका अच्छा रिजल्ट हमको 40-42 दिन में अच्छा, बहुत अच्छा मिला सर। ऊपर का जो सुपरनट लिक्विड होता है, पीला सा पानी, वो अगर हम खेत में पानी से छोड़ देते हैं या वाई ड्रिप से करते हैं तो इसके बहुत बढ़िया रिजल्ट मिले। इस तरह से हमने ऑर्गेनिक यूरिया बनाया। ऐसे ही एक दूसरा बनाया था सर, हमने NPK तैयार करने की एक विधि बनाई थी। और मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, मेरा जो अनुभव है, जो अपने खेत में जो भी खरपतवार होती है, हर तरह के घास जो भी अपने खेत में उगते हैं उसको लेके आया हम, उसका चॉपिंग किया और चॉपिंग करके एक प्लास्टिक का ड्रम 100 लीटर का और एक दूसरा 50 लीटर का, उसमें नियर अबाउट 20 kg 20 किलो का ये चॉपिंग उसमें डाल दिया। उसमें 40 लीटर OWDC डाला और थोड़ा पानी डाल दिया। उसमें पानी डाल के कम से कम आधा किलो गुड़ डाला उसमें और 21 दिन तक रखा सर। तो उसमें धीरे धीरे वो फर्मेंटेशन होना शुरू हो गया। बीच बीच में हम जैसे बने सुबह शाम में उसको 2-3 मिनट के लिए घुमाते थे, स्टर करते थे, और 21 दिन, 42 दिन और 60 दिन तक हमने एक्सपेरिमेंट किया है। तो 60 दिन का जो है तो उसमें जो NPK बना सर, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिले और वही NPK हम हमारे खेत में यूज़ करते हैं सर। दूसरा एक काम नहीं है इसका, और एक मेरा एक्सपेरिमेंट बताना चाहूँगा सर। मेरे पास में हल्दी है, लास्ट स्टेज में उसको पोटेशियम मिलना बहुत ज़रूरी होता है, जो मार्केट में मिलता है पोटेशियम साइनेट, उसकी प्राइस सर नियर अबाउट 2,500 से 3,000 तक प्राइस है उसकी। मेरा जो वहाँ पे काम करने वाला बंदा है वो लाने के लिए गया था, तो मैंने बोला उनको कि भाई वहाँ वो लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ से अपने घर में ही अपने खेत में आपको पोटेशियम बना के दूंगा। सर मैंने क्या किया, उसमें जो पोटैटो होते बटाटा और बैंगन, वो नियर अबाउट 5-7 किलो लेकर आया, उसका चॉपिंग किया, एक 50 लीटर का ड्रम उसमें वो सब डाल दिया और 8 दिन के बाद में पीला जैसा पानी हो गया। बैंगन तो सब गल गए थे और थोड़ा कुछ रह गया था उसमें, और जो बटाटा पोटैटो रहते थे वो तो पूरी तरह से सब मिक्सअप हो गए थे। और ये जो लिक्विड बना सर, उसमें मैक्सिमम हमको पोटेशियम मिला और ये मैंने हमारे खेत में टर्मरिक यानी हल्दी के लिए यूज़ किया। इस तरह से हमने अपने ही खेत में, अपने ही पास में बना हुआ ऑर्गेनिक पोटेशियम जो भी नेचुरल, वो मैंने यूज़ किया। अच्छा, इसमें ये बताइए आप कि जो आपने पोटेशियम बनाया इसको टेस्ट कराया सर? वो हमारे पास में लेबोरेटरी नहीं होने की वजह से। हाँ नहीं, उसको थोड़ा टेस्ट कराइए बाहर सर, कितना परसेंट पोटेशियम है, क्योंकि जो आप बता रहे हैं ये बिल्कुल सही बात है। और कांग्रेस घास का जो आपने बताया, कांग्रेस घास में 4% आपका नाइट्रोजन होता है, ये भी सही बात है, तो आपको उससे मिला NPK। लेकिन इसको जब भी करें आप, आपके क्योंकि आप पहले से एडिशनल कमिश्नर रह चुके हैं और आपको मालूम है, तो किसी भी लैब में भी इसको टेस्ट करा के, ताकि इससे किसानों को और फायदा मिलेगा। आपका एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा है ही है और सभी को लाभ मिले, तो उसको थोड़ा सा विटनेस के तौर पे आगे इसको टेस्ट करके थोड़ा सा रिपोर्ट आप बताएंगे और एक वीडियो देंगे, तो उससे काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा, है ना?